और वहीं संभल मुद्दे पर आज अखिलेश यादव सदन में ही सरकार को घेरते नजर आए और कई अहम बयान उन्होंने दिए। लोगों को पुलिस ने नमाज पढ़ने से रोका। इसके साथ ही कई और भी गंभीर आरोप यहां पर लगाते नजर आए, जिस तरह से संभल मुद्दे पर लगातार योगी सरकार को घेरते आ रहे थे। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई या खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए छंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं।